अभिनेता टाइगर श्रॉफ सिंघम अगेन की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाया है, लेकिन अभिनेता इस बात से खुश है कि दर्शकों ने फिल्म में उनके किरदार को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। रोहित शेट्टी निर्देशित यह पहली फिल्म है जिसमें टाइगर पुलिस की भूमिका में नजर आएंगे और अभिनेता को अब उम्मीद है कि उन्हें इस कॉप यूनिवर्स में एक अलग तरह की फिल्म मिलेगी। हाल ही में टाइगर ने भविष्य में अपने किरदार पुलिस अधिकारी सत्या के बारे में एक अलग फिल्म बनाने की संभावना की पुष्टि की। अभिनेता ने रोहित शेट्टी के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन्हें अपने कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनाया और उन्होंने बताया कि उनकी ओर से कम एक फिल्म डिजाइन की जा सकती है। टाइगर ने कहा कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि फिल्म की समय सीमा क्या है और रोहित शेट्टी ने इसकी योजना कैसे बनाई है, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद है। टाइगर ने कहा, मुझे नए संस्करण में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं वास्तव में फिल्म के साथ साथ अपने प्रति मिल रहे सभी प्यार और प्रशंसा का आनंद ले रहा हूँ। मैं पूरी विनम्रता से सोचता हूँ कि शायद एक फिल्म हो सकती है, हालांकि मुझे नहीं पता कि कब और फिर। यह सब रोहित सर की लाइनअप पर निर्भर करता है और उन्हें कब ऐसा करने का मन करता है और जब उन्हें लगता है कि इस पर काम शुरू करने का सही समय है। अभिनेता ने कहा कि जब से उन्होंने सिनेमा देखना शुरू किया है तब से वे अजय देवगन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और सिंघम अगेन हर तरह से उनके लिए वरदान की तरह है। उन्होंने कहा, कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनना वाकई सम्मान की बात है। रोहित सर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जिस तरह से पेश किया और इतने बड़े सितारों के बीच मुझे प्रभाव डालने का मौका दिया। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैं आमतौर पर अजय सर, उनके आभा मंडल और उनके काम के तौर तरीकों को देखता हूँ। मैं उनका प्रशंसक हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि उनके प्रति प्रशंसा काफी स्वाभाविक रूप से आई। सिंघम अगेन में टाइगर अजय, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ शामिल हुए। इस फिल्म को रोहित शेट्टी के पुलिस बदला लेने वालों की एक बड़ी टोली के रूप में कल्पना की गई थी। निर्माता फिल्म के अंत में दबंग से चुलबुल पांडे के रूप में सलमान खान को भी लाए, जिससे पूरा यूनिवर्स पहले से कहीं अधिक भव्य दिखाई देने लगा।